अगर आपको भी अपने पापा की जेब से 200 रुपये मिले हैं और उन 200 रुपये को मिलने का जल्दी जल्दी स्विगी या जोमेटो पे कुछ मंगाने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आप इन 200 रुपये से पूरा महीना बना सकते हो। तो इन 200 रुपये को यूज़ कैसे करें, तो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, चलो आ जाओ मैं बताता हूँ। तो हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, या आप अपना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोलने के बाद हमें एंटर करना है netflix.login.ni। ये एंटर करने के बाद हम नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे आने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर हमें अपना अकाउंट को सेटअप करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें दिखाएगा क्रिएट अ पासवर्ड टू स्टार्ट योर मेंबरशिप। तो हमने अपना ईमेल एड्रेस तो फिल कर दिया है, अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई से भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें चूज योर प्लान का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें अपना बेसिक प्लान को सिलेक्ट करना है जो है हमारा 199 रुपीज़ का। यहाँ पे हमें अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन या पेमेंट मेथड कोई और सा सिलेक्ट करके इसमें पेमेंट कर लेना। हाँ, आपको अपने जो 200 रुपये हैं इनको पहले आपको अपने फ़ोनपे वॉलेट या पेटीएम वॉलेट में कन्वर्ट करना है, या आप अपने कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू से ही पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा वेलकम टू नेटफ्लिक्स का। तो यहाँ पे हमें एक रिकवरी नंबर डालना पड़ेगा, कि जैसे अगर हम अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी नंबर को डालने के बाद हमें पहले एक OTP आएगा उस नंबर से, और फिर हम अपनी नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं इसके हेल्प से। फिर हमारे पास डिवाइसेस के ऑप्शन आएंगे, तो हम यहाँ पे मैं सारे डिवाइसेस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो जो डिवाइसेस है उस पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आया है। प्रोफाइल के ऑप्शन की हेल्प से हम अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे नेम फिल करेंगे। उससे हर एक फैमिली मेंबर का जो टेस्ट होगा उसके हिसाब से नेटफ्लिक्स इन्हें शोज एंड मूवीज रिकमेंड करेगा। उसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज हम वो सेलेक्ट करेंगे जैसे जिस लैंग्वेज के हमें शोज देखने हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट करें इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद हमें ऐसे शोज़ और मूवीज़ को सेलेक्ट करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और फिर हमारा नेटफ्लिक्स ऑन हो जाएगा। तो चलो अपने नेटफ्लिक्स को हम अपने स्मार्ट टीवी पे लॉगिन करते हैं। तो इसके दो मेथड होंगे। पहले मेथड में हम अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के उसको लॉगिन करेंगे, और दूसरे मेथड में हम अपने फ़ोन की हेल्प से हम अपने टीवी में नेटफ्लिक्स को लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेथड की तरफ चलते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना नेटफ्लिक्स ओपन करना है। नेटफ्लिक्स ओपन करने के बाद हमें साइन इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस हमें एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, और इन दोनों को एंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब हमारा पहला मेथड कम्प्लीट हो चुका है, जिसकी हेल्प से हमने अपना नेटफ्लिक्स को लॉगिन कर लिया अपने स्मार्ट टीवी के अंदर। दूसरे मेथड में भी हमें सेम अपने नेटफ्लिक्स को ओपन करना है अपने स्मार्ट टीवी पे, और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें साइन इन विद फ़ोन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक QR कोड आएगा जो हम अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे, और यहाँ पे फिर हमारे पास एक डिस्प्ले नंबर आ रहा होगा, वो नंबर हमें अपने फ़ोन में एंटर करना है। उस फ़ोन में अपना नंबर एंटर करने के बाद एंटर कोड टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है जो हमारे नेटफ्लिक्स अकाउंट में लॉगिन है। और यहाँ पे सिंपली वो सब करके हम अपना स्टार्ट वॉचिंग पे क्लिक करेंगे, और हमारा नेटफ्लिक्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपना गो टू नेटफ्लिक्स क्लिक करके हमारा नेटफ्लिक्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा इजी मेथड है हमारे पहले वाले मेथड में, क्योंकि उस वाले मेथड में हमें बार बार टाइप करके हमें अपने नेटफ्लिक्स को लॉगिन करना पड़ता था, और यहाँ पे अपने फ़ोन की हेल्प से ही नेटफ्लिक्स को अपने टीवी में लॉगिन कर सकते हैं। सो यह आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए गुड बाय बाय।